हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्वाति। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने भिंडी को वॉश करके अच्छे से कट कर लिया है। मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। अगर आपको छोटे छोटे शेप्स में रखने हो तो आप छोटे भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने पैन में डाला थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते हो तो आप जो ऑयल यूज़ करते हो वो भी डाल सकते हो। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें भिंडी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी तो सभी बच्चों का फेवरेट ही होता है। अगर आप उसको अलग तरीके से बनाएंगे तो वो उसे भी बहुत पसंद से खाएंगे। बच्चे भी एक ही तरह की सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो भिंडी को पकने देते हैं और मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने मिक्सर जार में डाला है थोड़े से लहसुन, 5-6 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे हरी मिर्च 2 लिया है मैंने, और टमाटर, और ये सरसों के दाने डाले हैं, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो चुका है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसी पेस्ट में मैं डालने जा रही हूँ थोड़े सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। फिर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस हल्दी और धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके। और अब चलो देखते हैं कि भिंडी का क्या हाल है। भिंडी भी इधर पक चुकी है थोड़ी सी, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले जो मैंने पहले से पीस के रखा था, वो मिक्स करके अच्छे से भिंडी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। धीमी आँच में भून ले, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप ये भिंडी आप बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन बॉक्स में आराम से दे सकते हो, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी बनती है, ज़्यादा इसमें पानी नहीं रहता, तो टिफ़िन से भी पानी नहीं बाहर आएगा। आप आराम से इसे दे सकते हो टिफ़िन बॉक्स में। इसमें बस लास्ट में डालेंगे नमक, नमक डाल के भी अच्छे से मिक्स करके, और मसाले भी मुझे लग रहा है भुन चुके हैं। 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे और फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। बहुत ज़्यादा सूखी लग रही है सब्ज़ी, फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप भिंडी की सब्ज़ी कौन कौन से तरीके से बनाते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। भिंडी वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे मैं डाल के, पानी डाल के फिर कवर करके रख दूँगी। 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे पकने में, और गैस धीमी रख के इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे भिंडी अच्छे से पक चुकी है, मसाले भी पक चुके हैं अच्छे से, और ये रेडी है आपकी भिंडी की सब्ज़ी सरसों वाली। इसे आप रोटी के साथ, राइस के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।